matters. जेनेसिस फाउंडेशन के साथ कुछ सीईओज ने छेड़ी एक सुरीली धुन दिवाली के मौके पर सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश सीईओ कॉन्सर्ट इन वक्त पर वेलकम बैक इंडिया गोल्ड इस स्वर्ण कलश में आज धनतेरस के पावन मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि सोने में कैसे करें निवेश। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने बुलियन कारोबारी और बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से जुड़े हुए सुरेश हुंडिया। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। सुरेश जी अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे बाकी दो जानकारों से कि किस तरह से फिजिकल के अलावा दूसरे पेपर गोल्ड के भी ऑप्शन आ चुके हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि वैसे तो सोने पर लोगों का भरोसा तभी जमता है जब उनके हाथ में सोना हो, जब उन्हें लगे कि भाई चलिए सोने का सिक्का या सोने का बार सामने आया है, लेकिन जिस तरह के पेपर गोल्ड के ऑप्शंस निकल कर आए हैं, आपको लगता है कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड पर कुछ असर पड़ा है, कुछ मार पड़ सकती है आगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ETF और पेपर गोल्ड, ETF और पेपर गोल्ड, ETF में 90% मार्केट मेकर बुलियन डीलर ही होते हैं और पेपर गोल्ड में भी सब बुलियन डीलर के अंडर में ही रहता है। लेकिन इसमें इंडिया में लगभग 1% भी ऐसे लोग नहीं है जो ETF और बुलियन ई गोल्ड के बारे में जानते हैं और उसमें मतलब उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी इंडिया में फेस्टिवल आते हैं, जैसे धनतेरस हो, दशहरा हो, दिवाली हो या मैरिज फेस्टिवल, हमेशा गोल्ड हमके हाथ में ही चाहिए, गोल्ड हाथ में ही चाहिए, इसके लिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो यानी कि हमारे जानकार मानते हैं कि अभी भी भले ही कितने सारे ऑप्शंस आ जाएं, लेकिन अभी भी लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी त्यौहार का मौका हो उनके हाथ में गोल्ड हो और यहाँ पर वो सिक्के बार अभी भी अपने भरोसेमंद ज्वेलर से या कारोबारी से लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन सोने में निवेश के लिए वायदा बाजार में भी बहुत सारे मौके निकल कर आ रहे हैं, इसे समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। सोने में पारंपरिक तरीके से हम निवेश करते हैं तो आमतौर पर ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर सोने के सिक्के खरीदते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और नायाब तरीका है सोने में निवेश करने का और वो है सोना वायदा। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि चार ऑप्शंस मौजूद हैं MCX के प्लेटफॉर्म पर। पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं जो है सोना वायदा। यहाँ पर ऑफकोर्स क्वान्टिटी इसकी काफ़ी बड़ी होती है। सोने वायदा का एक लॉट साइज जो होता है वो 1 किलो का होता है और आमतौर पर 4% का आपको मार्जिन भरना पड़ता है। अगर ये उदाहरण लेकर चले कि सोने की एवरेज प्राइस 26,500 रुपये 10 ग्राम पर है तो इस बेसिस पर आपका मार्जिन जो होता है करीब 1,06,000 रुपये होता है, यानी कि आप सिर्फ 1,06,000 रुपये चुका कर ही 1 किलो सोने में एक्सपोजर ले सकते हैं और उस पर आप फायदा कमा सकते हैं। अगर ये आपके बजट से बाहर है तो उसके लिए दूसरा विकल्प भी मौजूद है, वो है गोल्ड मिनी। यहाँ पर आपको कम से कम 100 ग्राम सोने में निवेश करना पड़ता है, ऑफकोर्स 4% मार्जिन तो भरना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिहाज से जो आपका इनिशियल एक्सपोजर होगा इस ट्रेड में वो रहेगा 10,600 रुपये, यानी कि 10,600 रुपये में आप खरीद सकते हैं 100 ग्राम सोना और यहाँ पर ऑफकोर्स इस पर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं जो प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर ये भी आपको बड़ी क्वांटिटी लग रही है, 1 किलो नहीं, 100 ग्राम सोना नहीं, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, वो है 8 ग्राम सोना खरीदने का। ये इनफैक्ट ट्रेड है गोल्ड गिनी का, जहाँ पर हम देखते हैं आपका लॉट साइज रहता है एक महज 8 ग्राम का और यहाँ पर आपको सिर्फ 6,784 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि बहुत ही कम कीमत है किसी तरह का एक्सपोजर लेने के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पर आप याद रखिए कि 8 ग्राम सोने की कीमत जो रहेगी, जो हम एवरेज लेकर चल रहे हैं वो 21,200 रुपये, उस पर आपको वो मार्जिन भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटी रकम लगाना चाहते हैं, ज़्यादा 6,000, 5,000, 10,000 से ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विकल्प है, वो है गोल्ड पेटल वायदा का। यहाँ पर आपको 1 ग्राम सोने में ट्रेड करने का, उसमें निवेश करने का मौका मिल रहा है और यहाँ पर मार्जिन के तौर पर आपको बहुत ही छोटी रकम देनी पड़ती है, वह है 250 रुपये, क्योंकि आपका 1 ग्राम की कीमत है 2,650 रुपये
उस बेसिस पर आपको सिर्फ 250 रुपए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहां पर धीरे धीरे करके आप चाहे हर रोज पैसा लगाए, हर हफ्ते या फिर हर महीने पैसा लगाए, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके हाथ में एक एक दिन 1 ग्राम खरीदने के भी। तो सोने में निवेश के कई सारे मौके आपके सामने हैं। क्लियरली तो हर्षदा ने हमें ये तो बता दिया कि जब आप वायदा में सोने में कारोबार कर रहे हैं तो हर लेवल पर आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन कुणाल आपसे समझना चाहेंगे, 4 ऑप्शंस की बात वायदा में यहाँ पर हर्षदा ने हमें बताई, ये बताइए कि सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए हर एक लेवल में और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर लोग पैसा अपना फ्यूचर्स में लगा रहे हैं। जी, सबसे पहले फ्यूचर में जैसे मार्जिन जो अमाउंट रहता है वो काफ़ी कम रहता है और इसमें जो ट्रेडर्स रहते हैं या निवेशक रहते हैं वो दे टेंड टू ओवर लिवरेज एट टाइम्स। वैन ऐसे ओवर लेवरेजेस कि आपका ओवरऑल जो भी कैपेसिटी है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जो भी नेट वेल्थ है उससे आप बहुत ही ज़्यादा गुना निवेश कर देते हैं बिकॉज द मार्जिन अमाउंट इज़ लो। सो जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को इसमें लेवरेज कम रखना चाहिए, जितना अपना एपेटाइट है उतना ही गोल्ड लेना चाहिए। मार्जिन अमाउंट कम होके अट्रैक्ट होके बड़ी क्वान्टिटी में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट कैच बिकॉज फ्यूचर में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट रहता है वो लिवरेज ही रहता है। लिवरेज कम रखना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए तो आपको ओवरऑल आगे जाके फायदा हो सकता है। बिल्कुल, चलिए ये तो बात कर ली हमने सोने वायदा के ऑप्शन की, लेकिन गोल्ड फंड भी एक ऑप्शन है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हाजिर और वायदा में सोना है तो फिर कोई गोल्ड फंड में निवेश क्यों करे? यही सवाल हमने पूछा रिलायंस गोल्ड फंड के संदीप सिक्का से, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रिलायंस ने ये नया फंड निकाला था अबाउट 6 महीने पहले जिसे विच इज़ कॉल्ड रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड। इस फंड के जरिए इन्वेस्टर्स गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, ना तो इसके लिए उनको कोई डीमैट अकाउंट चाहिए, ना ही उनके लिए कोई स्टोरेज का इशू, ना ही प्योरिटी का इशू, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी प्राइसिंग का एडवांटेज है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, आज के दिन में अगर आप फिजिकल गोल्ड आज किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से, आज के दिन में बैंक्स काफ़ी गोल्ड बेचते हैं, आपके इंटरव्यू आने से पहले मैंने चेक करा, दो एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साइड पे, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साइड पे चेक करा, 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन का इस टाइम पे कीमत है वहाँ पे 3170 और पब्लिक सेक्टर बैंक का जो था 2903। एंड विज़ाविज़ अगर आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन अगर आप गोल्ड सेविंग फंड के थ्रू खरीदते हैं उसकी था 2502। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही 500 रुपये का फर्क पड़ जाता है, 500 रुपये का मतलब 16-20% का फर्क। सो एक इन्वेस्टर जो 100 रुपये भी लगाना चाहता है उसको आज होलसेल प्राइस मिलती है। सो ऑल दिस एडवांटेजेस को देखते हुए ये गोल्ड सेविंग फंड एक इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत इसकी सराहना करी है और इसकी वजह से आज के दिन में इस टाइम पे 4 लाख से 4.5 से 4 लाख इन्वेस्टर्स ने 6 महीने के अंदर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करा है। स्वर्ण कलश में हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सोने में निवेश के दूसरे विकल्पों के बारे में। आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नज़र उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे ज़िंदगी से प्यार है। बंसल डायमंड्स, ज़िंदगी वाकई हसीन है। बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। Why dream small? Move up to sedan class in the all new Vista. The style of a sedan. The space of a sedan. The power of a sedan. The features of a sedan.